Yeah, that's true. I'm taking a break. Well, hello there. Hi, my name is RJ Vashisht and welcome to my YouTube channel. No, I'm not quitting YouTube. बंद कर रहा हूँ, मतलब एक छोटू सा ब्रेक ले रहा हूँ. अब क्या है कि सडनली वीडियोस बनाना बंद कर देता तो अच्छा नहीं लगता ना. अपना रिलेशन थोड़ा अलग है. सो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो टू टेल यू कि वाई एम आई टेकिंग अ ब्रेक. पर ऐसे ही बात नहीं करते ना, मेरे अंदाज में बात करते हैं. चलो एक कहानी सुनाता हूँ. कहानी है एक लड़के की जिसने सोचा कि यार रेडियो पे तो काम चल ही रहा है, अच्छा अब वीडियोस में कुछ काम किया जाए, रेगुलर बेस पे काम किया जाए. तो उसने शुरुआत की कुछ फनी वीडियोस से, उसके बाद कुछ कविताएं, उसके बाद गुजराती व्लॉग्स, देन मॉर्निंग मंत्रा, देन जस्ट अ विचार, एंड देन कुछ खत मायशा को. ऐसा करते करते चैनल में वीडियोस तो आ रहे थे पर समथिंग वॉज मिसिंग एंड देट वॉज कंसिस्टेंसी. एक दिन उसको ऐसा ख्याल आया कि जो ख्याल हाथ उसको हर रोज रात को 12 बजे के आसपास आते हैं उसी के आसपास वीडियो क्यों ना बनाया जाए. तो उसने 12 AM थॉट्स नाम की एक सीरीज की शुरुआत की और हर रोज एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया. हर दिन एक वीडियो, कुछ भी क्यों ना हो जाए एक वीडियो रात को अपलोड होना ही चाहिए. ऐसा करते करते उसने कुछ 50 वीडियोस अपलोड किए ऑलमोस्ट हर रोज और वो अचीव किया जो उसको चाहिए था, कंसिस्टेंसी. पर इसमें दावपानी.com ये हो गया कि लड़का फंस गया एक ट्रैप में. हर रोज रात को एक वीडियो अपलोड करना ही है, उस प्रेशर में लड़का फंस गया. ओके, अब जरा सीधी बात करते हैं. केसी नाइस्टेट नाम का एक यूट्यूबर है who is like one of my favorites. उसने एक बार ऐसा कहा था कि जब भी आप कुछ डेली क्रिएट करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन लाने में या फिर कुछ क्रिएटिव करने में आप मात खा जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान कुछ नया क्रिएट करने में नहीं, कुछ क्रिएट करने में हो जाता है. उसकी वजह से आप फंस जाते हो उस ट्रैप में. कहीं ना कहीं मैं भी उसका शिकार हो गया. यू वोंट बिलीव, मेरे पास 50 से ज्यादा वीडियोज के आइडियाज लिखे हुए रेडी पड़े हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि यार नहीं करना है, कुछ नया करते हैं, कुछ नॉट सो सीरियस करते हैं. या दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें करने लगा हूं, जो भी कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है पर वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली उस चीज की वजह से इस चैनल का टोन भी थोड़ा सीरियस होता जा रहा है. दैट मीन्स चेंज की जरूरत है, कुछ नया या फिर कुछ पुराना करने की जरूरत है. सो विद दिस आई एम टेकिंग अ छोटू सा ब्रेक टू रीडिफाइन दिस चैनल, टू रीडिफाइन माई सेल्फ, कि जो जो चीजें मैं पहले कर सकता था क्या उसी को वापस ला जा सकता है, या फिर जो इंस्टा स्टोरीज मैं आज भी करता हूँ क्या उसी पर्सनालिटी को इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए आई एम टेकिंग अ छोटू सा ब्रेक. आज हुई है 25th, सो मे बी आई बी टेकिंग अ वीक, मे बी लेस देन दैट और मे बी मोर देन दैट, अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को एक छोटी सी ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या नए रमता जोगी का अवतार इस चैनल के लिए मैं ला सकता हूँ या नहीं. अगर ला पाया तो वही करेंगे, और अगर ऐसा लगा कि यार पुराना वाला ही ठीक था तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, सिंपल. मीनवाइल आपको दो चीजें करनी है. एक, मैं इंस्टाग्राम पे सुपर डुपर एक्टिव हूँ तो वहां पे आपको मुझे फॉलो करना है और मेरी सभी अपडेट्स को जानना है, स्पेशली माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, क्योंकि वहां पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होता हूँ. दूसरा, इस चैनल को आपको संभालना है, मेरे पुराने वीडियोस को देखना है, उनमें से जो जो आपको पसंद हो उसको कहीं ना कहीं शेयर करना है, नए लोगों को लाना है, बेसिकली इस चैनल को जिंदा रखना है ताकि जब नई शुरुआत हो तो बहुत अच्छे से हो. तो इसी बात के साथ मैं लेता छोटू सा ब्रेक. आई विल सी यू वेरी सून. तब तक अपना ख्याल रखना, कीप मुस्कुराना. बाय बाय.